नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय आरिफ और सारस की खबर लगातार सुर्खियों में है। लोग लगातार आरिफ और सारस की जो भी खबर है उसको खूब सारा प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस वक्त की जो आरिफ और सारस को लेकर एक बड़ी अपडेट है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी हाल की मैं खबर बता रहा हूँ कि आरिफ के सारस को जो समसपुर पच्छी विहार है रायबरेली का, वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने सुबह भी आपको एक अपडेट दी थी कि बहुत जल्दी रायबरेली के समसपुर से आरिफ के सारस को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि लगातार वहाँ पर लोग वीडियो जाके बना रहे थे, लगातार वहाँ के तमाम अन्य पक्षी भी लोगों के वीडियो बनाने की वजह से परेशान थे। और लोग लगातार इस कंट्रोवर्सी की वजह से वहाँ के प्रशासन ने कहीं ना कहीं यह निर्णय लिया है कि जो आरिफ का सारस है, लोगों के बीच में रहने की वजह से थोड़ा सा उसको पक्षियों के बीच की आदत खत्म हो गई थी। अब पक्षियों की आदत को वो तो धीरे धीरे, लोगों ने बताया कि वो पक्षियों की आदत में फिर से धीरे धीरे जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि उसे कुछ दिन सुरक्षित रखा जाए, और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो समसपुर पक्षी विहार है वहाँ से जो आरिफ का सारस है उसे शिफ्ट किया गया है। और बताया जा रहा कि लखनऊ ले जाकर उसको शिफ्ट किया गया है, लखनऊ की किसी चिड़ियाघर में। तो ये बड़ी अपडेट है आरिफ और सारस को लेकर। और आपको बता दें कि अमेठी के मंडका मजरे गांव के रहने वाले आरिफ के पास विगत एक सालों से एक सारस जो उनके साथ साया बनकर रह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं राजकीय पक्षी होने के नाते उसे पालने का अधिकार नहीं है किसी को भी। नियमतः जो वन विभाग है अमेठी का, उसने कार्रवाई की, उसने एक लेटर लिखा रायबरेली के वन विभाग को, और जिसके बाद से पहले समसपुर पक्षी विहार में उसको छोड़ा गया, लेकिन लगातार लोग वहां जाकर वीडियो बनाते रहे, वो कंट्रोवर्सी नहीं ख़त्म हुई, जिसके बाद वहां के वन विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब इसको जो है सुरक्षा की दृष्टि से लखनऊ शिफ्ट कर दिया जाए। तो जो मेरे बगल आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो मेरे बगल ये वीडियो देख रहे हैं, इसी बैन में इस सारस को रखा गया है जो आरिफ का सारस है, और इसको लखनऊ के चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है आरिफ और सारस को लेकर कि लखनऊ के चिड़ियाघर में आरिफ के सारस को शिफ्ट कर दिया गया है। और सुबह मैंने सबसे पहले आपको एक खबर बताई थी कि बहुत जल्दी जो रायबरेली का समसपुर का जो पक्षी विहार है वहाँ से सारस को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो सबसे ताज़ा अपडेट मैंने दी थी। और इस वक्त की खबर यही है कि पक्षी को शिफ्ट कर दिया गया है।